नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वली अहदे सल्तनत और मल्लिकाए हिंदुस्तान की एसपीजी सुरक्षा छीन ली गई, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा विडंबना है या अपने आप में, ये सोचने वाली बात है ना। अब बताइए, इस देश में राहुल गांधी का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान है। राहुल गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाफिज सईद है। राहुल गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लेफ्टिस्ट है, लिबरल है, मार्क्सिस्ट है, कौन है आखिर? ऐसे में एसपीजी सुरक्षा उनसे छीन लेना कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है, और यह कदम क्यों उठाया गया? एक महान देश के रत्न की आप एसपीजी सुरक्षा छीन लीजिएगा जी, इतना बड़ा कांड कीजिएगा, आए आप ही बताइए आखिर इसके पीछे क्या कारण है? राहुल गांधी परिवार से नफरत? अरे कांग्रेसियों, कब तक ऐसे लॉजिक दोगे? इस देश में राजा, रजवाड़े, इन सब की सुरक्षा छीन ली गई, अभी भी जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। और ये तो प्रियंका गांधी ने पूरा पूरा ड्रामा ही किया है, ऑफ इंडिया ने पूरा एक्सप्लेन किया है। ये कोई जो है ना ब्रिज नहीं था, ये कोई सुरक्षा में कमी की वजह से नहीं हुआ, वहां से ही ये ऑर्डर आया था। ये पूर्व जो है ना चुनाव भी लड़ चुकी है, जो गई है ठीक वैसे ही कार में ब्लैक शीशा लगा करके, तो कोई जो है ना सिक्योरिटी ब्रिज नहीं था, कोई लैप्स नहीं था। ये पूरा का पूरा ड्रामा क्रिएट किया, क्यों? क्योंकि हम तो भाई मल्लिकाए हिंदुस्तान है, हमारी एसपीजी सुरक्षा क्यों छीन ले गया? अब जरा एक बात बताइए, प्रियंका वाड्रा को एसपीजी सुरक्षा दी क्यों जाए, इसके पीछे कोई कारण है ठोस? ये कह रहे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी को मार दिया गया था। एक बात बताइए, इंदिरा गांधी जी ने कमरे में जब जनरल सिंह भिंडरांवाला नामक बम को बुलाया और बनाया, तो कभी सोचा कि विस्फोट करेगा तो अपना दामन भी जलेगा? एलटीटीई को भारत सरकार ने और भारतीय आर्मी ने ही तो ट्रेनिंग दी थी ना, राजीव गांधी ने ही भारत के जवानों को भेजा था श्रीलंका में, तो परिणाम वैसे ही होंगे जैसे आप कांड करेंगे। अब राहुल गांधी तो फिलहाल पीएम पद से ही काफी दूर है, ऐसे में उनको वैसे भी एसपीजी की क्या जरूरत है? उस आदमी को यार कौन मारेगा जो 3000 को 2500 और 500 बोलता है, ये बताइए। 2500 बोलता है जो आदमी 3000 रुपए को, उसको कौन मारेगा यार? इतना भी मतलब मत करो यार, अति मचाती है। एसपीजी सुरक्षा के बजाय जेड प्लस। अच्छा, इस देश के गृह मंत्री को जेड प्लस सिक्योरिटी है, इस देश के रक्षा मंत्री को जेड प्लस सिक्योरिटी है। यही नहीं, जो संशोधन हुआ है कानून में, इसके हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी भी अगर अगली बार पीएम नहीं बनते हैं तो इनको भी एसपीजी सुरक्षा नहीं रहेगी, जबकि सबसे ज्यादा थ्रेट इन्हीं को है। इनकी लाइफ के पीछे जो है माओवादी पड़े हुए हैं, पाकिस्तानी पड़े हुए हैं, आतंकवादी, पाकिस्तान तो पड़ा ही हुआ है। फिर ऐसे माहौल में ये जो वली अहदे सल्तनत राहुल गांधी है, क्या ये देश के लिए मतलब एक सांसद के पद पे है, उनको एसपीजी सुरक्षा क्यों दी जाए? इसके पीछे मुझे कोई ठोस कारण समझ में अभी तक नहीं आया। मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इस वली अहदे सल्तनत के इस महान आदमी को मतलब अगर इनके पीछे वो टाइटल नहीं रहता तो इतने बड़े आदमी भी ना होते। खैर, अब चूंकि गांधी नेहरू परिवार से हैं तो जेड प्लस सिक्योरिटी है, ये कम तो नहीं है, लेकिन इनको तो भाई वो सिक्योरिटी चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आखिर वो छोटा चाय वाला एसपीजी लेगा और राहुल बाबा जो है इनको एसपीजी नहीं दिए, ये तो तौहीन है भाई, ये तो भाई एकदम जलालत है। ऐसे कैसे हो जाएगा, एक चाय वाले को एसपीजी और राहुल बाबा को मतलब जेड प्लस, ये तो तौहीन है। और देश का गृह मंत्री को भले जेड प्लस मिल जाए पर राहुल बाबा को तो एसपीजी ही मिलना चाहिए भाई, उससे नीचे पे बात नहीं होगी। अब बंद करो यार नौटंकी, यार तुम यार लेफ्ट लिबरल लोग, तथा कथित सूडो सेकुलर लोग, तबाही मचा दियो पूरे हिंदुस्तान में यार। कोई ढंग का मुद्दा हो तो लाओ, इस देश में सुरक्षा के वजह से कितनी सारी समस्याएं आ रही है, लेकिन आपको एसपीजी से, यहां लड़कियों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, आपको एसपीजी चाहिए। इस
हैदराबाद में जो कुछ हुआ उसके बहाने प्रियंका गांधी ने जो पूरा षड्यंत्र और खेल रचा है, ये अपने आप में कितना घृणित है। अच्छा भाई, ये रॉबर्ट वाड्रा को क्यों मिले भाई, एसपीजी क्यों मिले भाई? फिर तो ये ठीक है भाई, फिर तो अनिल अंबानी को भी दिया जाए, मुकेश अंबानी को भी दिया जाए, कमाल है। फिर पूरे देश के में सब कुछ, सबको एसपीजी ही दे दो, सारे वीवीआईपी को, जनता हारमोनियम बजाएगी, घंटा बजाएगी पीछे। भाई साहब हो गया ना यार, वीडियो अच्छा लगे ना लाइक शेयर कमेंट शेयर।